देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी विधानसभा के बाहर है और अंदर में से कालीन सत्र चल रहा है। अंदर से एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है। वीडियो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार उस वीडियो में आग बबूला दिख रहे हैं, पूरा भड़के हुए दिख रहे हैं और विपक्ष को तू तू मैं भी कर रहे हैं। जी हाँ, कह रहे हैं कि इस बाहर निकालो, विधानसभा सत्र से बाहर निकालो विपक्ष को। क्या इसलिए रहे हैं कि क्योंकि विपक्ष ने शराबबंदी के ऊपर शराब को लेकर सवाल उठाया और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरा भड़क गए। आपको बता दें कि जब से बिहार में शराब बंद हुई है उसके बाद मरने की जो संख्या है शराब, जहरीली शराब से, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मरने की जो संख्या है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जिद पर अकड़े हुए हैं। अड़ने की वजह यह है कि वो नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी खुले और लोग उन्हें उनके ऊपर सवाल उठाए, लेकिन अंदर में जिस तरीके से वो विपक्ष को तू तू मैं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तानाशाह मुख्यमंत्री देख रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मन से खड़ी होकर कहती हैं कि इस देश में जो जेल में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उन्हें बेवजह फंसाया जाता है। जी हाँ, एक वीडियो मैंने किया था छज्जू बाग में, जब मैं वहाँ पर गया और कुछ लोग, सैकड़ों की संख्या में लोगों को वहाँ पर पकड़ के रखा इसलिए गया था कि उन्होंने शराब पिया था। लेकिन जब हमने उनसे पूछा, जब हमने कहा कि आपने अगर शराब पिया है तो आपको रिपोर्ट मिला होगा कि आपकी जांच हुई है, तब लोगों की प्रतिक्रिया ये आई कि हमें फंसाया गया है, प्रशासन अपना टारगेट पूरा करने के लिए हमें उठाती है, प्रशासन सरकार को आंकड़ा दिखाने के लिए, जेल में बंद करने के लिए, जेल को भरने के लिए हम गरीब मजदूर पिछड़े समाज के लोगों को जेल में अंदर डालती है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता है, हम पढ़े लिखे नहीं होते, हम बेबस होते हैं और हमें झूठे इल्ज़ाम में फंसा देती है। दूसरी बात, महिलाओं का आरोप ये है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर हमेशा ऊँचे दर्जे का व्यवहार रहता है, हमेशा प्राथमिकता महिलाओं के प्रति रहता है, लेकिन उनकी प्रशासन महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करती है, आपको क्या ही कहें। जब प्रशासन बिना महिला पुलिसकर्मी के उनके घर में जाती है, महिलाओं के साथ बदसलूकी करती है, उनका ये कहना है कि सर साहब जब हम अपने घर में होते हैं तब प्रशासन शराबबंदी के नाम पर, शराब चेकिंग के नाम पर मद निषेध विभाग के लोग आते हैं, हमारे घर में आ जाते हैं, कोई वारंट नहीं होता है उनके पास, हमारी महिलाएं सो रही होती हैं, नहा रही होती हैं, कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं होता है और वो आते हैं गाली देते हैं। तो देखिए एक तो तानाशाही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिखी रही है शराबबंदी के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, जो लोग शराब नहीं भी पीते हैं उन्हें उठाया जाता है, तो ये तो तानाशाही है ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि मुख्यमंत्री को आंकड़ा दिखाएं और ऐसे लोगों को पकड़कर प्रशासन अंदर करती है। और जो बड़ी मछली है, देखिए 2016 के बाद बिहार में अगर कहा जाए तो शराब बंद तो हर कोई कहता है, लेकिन हर जगह शराब बिकता है, रात के अंधेरे में बिकता है, चोरी छुप कर बिकता है, लेकिन शराब बिकता है। लेकिन जो बड़ी मछली है उसको प्रशासन पकड़ नहीं पाती है, या फिर कहें कि प्रशासन का मुंह बंद कर देती है वो बड़ी मछली, और प्रशासन जो है ऐसे लोगों को, गरीब तबके के लोगों को पकड़कर सरकार को अपना आंकड़ा दिखाती है। और यही चीज़ आज विधानसभा में हुआ, जब विपक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सवाल उठाएं शराबबंदी को लेकर, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे केशव है और मैं हूं अमान, आप देख रहे थे पब्लिक स्टेशन।